हो गया जी, चलते हैं। चल, कोई काम तुम ढंग से कर पाती हो? अब जल्दी से ठीक करो इसे, नहीं तो प्रीतो दरवाजा पीटने लग जाएगी। अभी तुम्हारी आंखों में मानसून कहां से आ गया? यार ये रोना धोना बंद करो, जल्दी तैयार हो। तो मैं क्या करूं? मुझसे ये साड़ी बंद ही नहीं रही है, बहुत भारी है। कितनी कोशिश कर चुकी हूं, बनती नहीं है। सुनिए जी, आप ना मेरे बिना चली जाइए, कोई भी बहाना बता दीजिएगा। इस तरह झल्ली बनकर नहीं आ सकती हूँ ना जी। सब लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, मेरे लिए सब कुछ तैयारी की है, और मैं ही उनकी नाक कटवा दूंगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। आप जाइए, कोई भी बहाना बता दीजिएगा उन्हें, मैं इस तरह से नहीं आऊंगी। मुझे नहीं जाना है ऐसे। दीदार है दिल की राहत, तेरा इश्क है मेरी इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तू ही मेरा खुदा, जो ख्वाब है तूने मुझको दिए, तूने मुझको दिए, इल्तिजा धड़कनों की है। हम जुदा ना जिए, हम जुदा ना जिए, ओ खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत। खुद में तुझे मैं छुपा लूं, बस आखिरी मेरी चाहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत। तुम ना बहुत अजीब हो, जो काम ओरिजिनल पति नहीं करता वो तुम अपने नकली पति से करवा रहे हो। अब इन दो हफ्तों में और क्या क्या करवाओगी मुझसे? अप्रीत, अरवन ओए, वीरन ओए, अच्छे थे आओ यार। लो जी, जब देखो घोड़े पर सवार रहते हो। मुझे औरतों को मेकअप शेकअप में टाइम लगता है, आपकी तरह थोड़ी ना कपड़े पा लिए, बालों में हाथ घुमा लिए और निकल लिए। छोटे पहलवान आ जा। लो जी, आ गए मामा जी, आ जा, आ जा।
शायद सच में हरमन ने इसकी मदद की साड़ी पहनने में। ऐ ठीक किया मैंने, जब खुद जाने के बजाय उसे भेज दिया। मम्मा कैसी लग रही हूँ मैं? क्यूट लग रही हूँ ना? हाँ, गिलहरी की पूंछ पे हरे कलर का परांदा बांधो तो वो ऐसी ही लगती है। हरमन, तू मेरी कभी तारीफ नहीं कर सकता क्या? यार बस कर यार, अब पहन है तेरी। वीरन, वीरन कितने वीरन ओए! इस सबसे पहले आने वाला आदमी सबसे लेट आ रहा है। वीरन ओए, और तू तैयार नहीं होया? एक ही मुंह लटका के खड़ा है। वीर जी तैयारियां? तू तो तैयार हो गया, वोटी कितने है? वीर जी शन्नू दी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे इतनी बात तो मेरी समझ में आती है कि ये तबीयत किसकी कितनी खराब और कब हो जाती है। जी मैं चाची जी को देखकर आती हूँ। नहीं बस थोड़ा सा पेट में दर्द है, ज्यादा कुछ नहीं। मम्मी जी उनके लिए नींबू पानी बना लूं? बहुरानी ठहर जा ठहर जा, उसे नींबू पानी की जरूरत नहीं है। आप ना इस घर की पॉलिटिक्स को नहीं समझते। उसको कौन सी दवा चाहिए ना वो मैं जानता हूं, अब मैं उसका इलाज ना अभी करता हूं। हमारी फैक्ट्री का उद्घाटन हो रहा है और वो फैक्ट्री की मालक मकान हमारी बहुरानी हो गई है, बस यही पेट में दर्द हो रहा है। शिरा मेरे कमरे जा और मेरी तिजोरी में मेरे जितने भी जमीन जायदाद के प्रॉपर्टी के पेपर पड़े हैं वो सारी फाइलें लेकर आ। आज बंटवारा हो के रहेगा। मैं ओ तू बहरा हो गया, सुनाई नहीं दिया? मैंने तुझे कहा जहाँ मेरे कमरे में तिजोरी में से सारे वो कागज फैले लेकर आ मेरी जमीन जायदाद के फैक्ट्रियों के। देखो बाबूजी, बाबूजी बाबूजी कुछ नहीं, जो तानू कह रहा हुक्म की तमीर कर, चल जल्दी जाके जगह लेकर आ। करा तू जाना या मैं जावा? मैं भी जा सकन। हाय रब्बा, शुक्र है तेरा, आखिर जो मैं चाहती थी वो हो ही गई। करवा ही दिया मैंने बंटवारा। तो ये चाहता ना तो आज मैं कर देना है, मैं कान बच्चा कान तेरा, मैं आज ना कर ही देना है। सुनिए जी, पापा जी को समझाइए ना प्लीज, ये सब ठीक नहीं। देखो जब हरक सिंह गुस्से में होते हैं वो किसी की नहीं सुनते, और इस वक्त उनसे कुछ कहना गरम तवे पे हाथ रखने जैसा हो, और हमारे घर के मामले में तुम नहीं पढ़ो तो अच्छा है। ए फैक्ट्री मैं पाई है अपनी मेहनत से, ए देख ला, ए मेरे सरसों के खेत के वो कागज है जिसका मालकाना हक मेरा बनता है, एल ये इस वेली के कागज हैं, ये मैं बनाई है अपने खून पसीने से जी। तो ये प्रॉपर्टी के अलावा बौजी जे प्रॉपर्टी जो भी बनता है जो बच गई है वो हम आपस में आज बंटवारा कर लेंगे। ऋषि तुसी इस तरह क्यों कह रहे हो? मैंने आपसे कभी कुछ मांगा है? आप मेरे बड़े वीर जी हो, पर बाबूजी के जाने के बाद हमेशा मैंने आपको बाबूजी की तरह माना है। सानू नहीं चाहिए कोई बंटवारा, उसी गुस्सा छोड़ दो। वीरन ये आज की बात नहीं है, आज ये फैसला होकर रहेगा फाइनल। किसी तुसे जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। तू मुंह खोले है वीरन, ये समाज में तू चल रहा है ना,
और तेरी औकात से ज्यादा ये मेरी देन है। ये खाना खाना तेरा परिवार सारा ये भी मेरी देन है। समझ में आई तेरी बात? मेरे सामने मुंह खोलिया तू, मेरा खून लोगे। तो यही सही, ये मेरी मेहनत की कमाई है। ये बौजी ने छटा है चोपड़ा, तो ये चोपड़े का हिसाब से अधो अधो होना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं नहीं करता, मैं नहीं करता। मेरा दिल बहुत बड़ा है, मेरा नाम हरक सिंह है। बोरिया बिस्तरा बंद अपने परिवार का, तो इधर से हो जा दफा। हाय रब्बा, क्या सोचा था और क्या हो गया? झोपड़े बीच रहना होगा? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे मुझे कुछ करना होगा। मुझे मुझे भाई साहब को रोकना होगा। क्या करूं, कैसे रोकूं भाई साहब को? मैं हाँ, भाई साहब को रोकना होगा, रोकना होगा। सिद्धू आजा, आजा ताजू को रोकना होगा। भाई साहब, ऐसा मत करिए जी, हमें अलग मत करिए। मैंने आपको कभी कभी जेठ नहीं बल्कि ससुर का ओहदा दिया है। आखिर बड़ों के साए के बिना हम कैसे रह सकेंगे जेठ जी? हमें इस परिवार से अलग मत करिए जेठ जी, हमें इनके पापों की सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? इन्हें जाना है तो जाए, मैं और सिद्धू कहीं नहीं जा रहे। आखिर कैसे रहूंगी मैं जीजी के बिना, हरमन के बिना? इस परिवार से दूर रहना तो मैं बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोच सकती। हमें नहीं होना है, नहीं चाहिए ना ये बंटवारा। चेची, माफ करने वाला सबसे बड़ा होता है। सिद्धू, माफी मांग, माफी मांग ताईजी से। कुछ हो? आखिर तेरे पाप के पापों का प्रायश्चित तो हमें ही करना पड़ेगा ना। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भाई साहब। कुछ नहीं होगा, रोना बंद करो। बस 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 बस, एक एक की नियत भांप चुका हूं मैं। सब जानता हूं मैं क्या चल रहा है इन बंद दरवाजों के पीछे। चल उठ, उठ उड़ जा। 10 मिनट में तैयार हो गया, फैक्ट्री के उद्घाटन के लिए जाना है। कभी पूजा नहीं की क्योंकि क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। आपने सब कुछ तो दिया मुझे इस घर में, पर फिर इसी घर में सोमुदी को भी भेजा जिनके हिस्से कुछ भी नहीं आया। क्यों माँ, किस पाप की सजा दे रही हैं आप उन्हें? आज पहली बार आपसे कुछ मांगने आई हूँ।
प्लीज मेरी दी को सिर्फ 11 दिनों के लिए बचा लीजिए, उसके बाद हम उन्हें लेकर कहीं दूर चले जाएंगे। छोटी, तुझे तो मैंने कभी भी पूजा पाठ करते हुए नहीं देखा, क्यों यार? आज तू यहाँ? आज मैंने भी इनसे कुछ मांगा है मम्मी, अब बस यही है जो ठीकी और हमारी मदद कर सकते हैं। सच्चे दिल से मांगी है दुआ माता रानी हमेशा पूरी करती है। तूने पहली बार कुछ मांगा है ना, देखना अब माता रानी हमारी सोम के लिए सब कुछ अच्छा करेंगी। आजा प्रीत बैठ जा। मैं क्या बहू रानी जी, आज तू भी आ जा, गाड़ी में बैठ जा। आजा। ओ पापी एक मिनट। ओ मामा जी मैं क्या सोच रहा था, आप और प्रीतो मामी गाड़ी में चली गए, मैं हरमन वीर जी और पापी को लेकर दूसरी गाड़ी में आता हूँ आपकी गड्डी के पीछे। अच्छा जी ठीक है ठीक है, अभी ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग गड्डी में आ जाओ जी। बैठ जाओ रानी। हरमन वीर आज के लिए मैं तेरा और पापी का पर्सनल ड्राइवर, तुम दोनों लव बर्ड आराम से पीछे प्राइवेसी में बैठो। और ये इस बंदे का प्रॉमिस है कि ना तो पीछे मुड़ के देखेगा और ना रियर व्यू मिरर में। ओ वरुण तू जुबान और दिमाग मत चला, तू सिर्फ गड्डी चला, और मेरे लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आगे वाली सीट पे बैठना है, ठीक है? चल। क्या यार आईडिया की ऐसी तैसी करना तो कोई तुझसे सीखे, चल बैठ जा। भाभी जी एक गल दसो मैनू, आप खुश तो हो ना हमारे परिवार में? वैसे भाभी जी मैं अपने वीरे को जानता हूँ, थोड़ा मूडी है लेकिन परेशान तो नहीं करता ना आपको? हाय सो क्यूट। भाभी जी हर बात का जवाब मुंडी हिला के देती हो आप, ना एकदम गुड़िया जैसी हो, गुड़िया जैसी। भाभी जी क्या आप जानती हैं मुझे शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? कैसी? बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी। यार वरुण बिना सिर पैर की बातें किए जा रहा है तू, चुपचाप गाड़ी चला। और सही है वीरे, खुद की लाइफ के सर पैर दोनों सही हो गए तो भाई पे चौड़ा आ रहा है, क्यों जी हमारे भी कोई अरमान है कि नहीं? वरुण जुबान चलाना बंद कर और चुपचाप गड्डी चला, ठीक है? ठीक है जी। बाबू जी की गाड़ी तो सीधे गई, तूने लेफ्ट क्यों लिया? ओ मेरे वीरे कभी कभी जिंदगी में ना कुछ सही काम करने के लिए रास्ते बदलने पड़ते हैं।